Namaskar, myself Dr. Ashwini Pandey. I will deal with lecture based on acid base and salt. आज हम acid base और salt की बात करेंगे. पिछले क्लास में हमने देखा एसिड वो होता है जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, बेस वो होता है जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे. इतनी जानकारी थी, बहुत प्रीलिमिनरी जानकारी थी एसिड और बेस के बारे में. आज हम थोड़ा सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. इस सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट हो गया आपका लवण. लवण ये सॉल्ट कैसे बनता है? बहुत आसान है. जब एसिड जो है, मान लीजिए HCl हमने ले लिया, ये बेस से जब रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर. मींस एसिड एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब अगर हम कोशिश करें कि ये सॉल्ट जो NaCl है, इसको हम पानी में डिजॉल्व कर लें, वाटर में डिजॉल्व कर लें, जल में घोल लें, तो NaCl को अगर हम जल में घोल लें, इसका अगर हम टेस्ट करें कि ये एसिडिक है कि बेस है, तो पीएच पेपर पे या लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं दिखाएगा. लिटमस पेपर न्यूट्रल ही रहेगा. न्यूट्रल इसका क्या मतलब हो गया? सॉल्ट जो है वो लिटमस पेपर पे न्यूट्रल इफेक्ट डालते हैं. ना वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ना वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं. तो ये एक सीधा सा उदाहरण है सॉल्ट फॉर्मेशन का विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सॉल्ट्स कई प्रकार के होते हैं. कौन कौन से वो प्रकार हैं, आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला प्रकार जो है वो है नॉर्मल सॉल्ट का. नॉर्मल सॉल्ट मतलब सामान्य लवण, जिसे कहते हैं हिंदी में सामान्य लवण. नॉर्मल सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनता है. और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम लिख दे रहे बोर्ड पे, बैरियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, सोडियम सल्फेट. These are formed as a result of neutralization reaction. ये acid और base आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमको सामान्य लवण बनता है. Normal salt जिसे कहते हैं. For example, barium chloride. ये कैसे बना होगा? Barium hydroxide ले लेंगे और plus hydrochloric acid ले लेंगे, तो बन जाएगा हमारा barium chloride. Barium chloride. Barium hydroxide is a base. बीच बेस बेस और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर. सो अगेन वी कैन सी दैट बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट का उदाहरण देख रहे हैं. इसी तरह से हम ये H2SO4 सोडियम सल्फेट ये कैसे बना, इसको भी देख सकते हैं. इफ आई टेक सपोज एनी बेस और एनी एसिड. अगर हम बेस ले लें, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और एसिड ले लें, एसिड H2SO4 ले लें, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं. और क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4. तो ये एग्जांपल है नॉर्मल सॉल्ट का, जिसे कहते हैं सामान्य लवण. आइए दूसरे लवण पे चलते हैं. और भी बहुत तरह के सॉल्ट हैं, एक एक को हम देखेंगे और समझेंगे कि किसको किस कैटेगरी में रखना है. दूसरा एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट का. एसिडिक सॉल्ट इसको कहेंगे अम्लीय लवण. अम्लीय लवण मान लीजिए अगर हम एक एसिड ले लें, सपोज इफ आई टेक, जिससे हम सब परिचित हैं, इसको कहते हैं, आप देख सकते हैं H2SO4. अब ये H2SO4 जो कि एसिड है, अगर हम इसको मेटल से इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करें, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर दें सोडियम से, तो हमको बन जाएगा
सोडियम आयन से रिप्लेस होगा तो ये विल फॉर्म HOS ये सॉल्ट बनेगा। अब इस सॉल्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया सोडियम आयन से और यहाँ पे हमको एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मिल रहा है तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। ये हो गया अम्लीय लवण, मतलब दोनों हाइड्रोजन को मैंने नहीं रिप्लेस किया, सिर्फ एक मेटल आयन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है। इस वजह से ये जो आपका ये लवण जो बन रहा है इसमें अम्लीय इसका स्वभाव है। अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और ये अगर एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, तो हम फिर जानते हैं कि ब्लू लिटमस को अगर हम इसको ब्लू लिटमस ले जाएं तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस टर्म्स रेड है ये सॉल्ट, लेकिन एसिडिक होने के नेचर से ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम उसको लिख भी सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं NaHSO4 1 2 3 4 Na सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। एक हम लेकर के दिखा, इसी तरह से दूसरा भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaHCO3 NaHCO3 का भी एक अच्छा उदाहरण है। ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो यौगिक है, हम लोग इससे परिचित हैं, इसको कहते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2 ये H2CO3 दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। अब क्या करना है, वही केस करेंगे। अगर हम इसमें सोडियम इंट्रोड्यूस कर दें, एक हाइड्रोजन को अगर हम मेटल आयन सोडियम से रिप्लेस कर दें तो हमारा ये सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट बना? NaHCO3। ऑक्सीजन की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अगेन इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो ये है एसिडिक सॉल्ट। हमको यौगिक का स्ट्रक्चर देख करके, उसकी संरचना देख करके ये पकड़ना पड़ेगा कि ये एसिडिक है या नहीं है। कहीं भी अगर रिप्लेसिबल हाइड्रोजन है किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ तो ये इजिली रिमूव हो सकता है और ये इस वजह से ये ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कर देगा। तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट का उदाहरण। आइए दूसरा सॉल्ट हम लोग देखें। दूसरा सॉल्ट है आपका बेसिक सॉल्ट मतलब क्षारीय लवण क्या होता है? किसी क्षार को अगर आप ले लीजिए, मान लीजिए बेसिक सॉल्ट के लिए अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड ले लें, सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। ये वीक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अगर वीक बेस है, इसके हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें, मतलब अगर हम HCl से इसको अभिक्रिया करा दें, इसका पूरा का पूरा नहीं, पार्शियल, अगर हम कहें कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हम करा रहे हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं, पार्शियल उदासीनीकरण जिसे कहते हैं, पार्शियल उदासीनीकरण, तो क्या होगा इस केस में, क्या बनेगा? ZnOHCl, यानी एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा। इस तरह का कंपाउंड अगर हमें मिले तो इसको कहते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कुछ और भी उदाहरण हम इस तरह का ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेड का ले सकते हैं PbOH, NO3, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट। ये भी क्षारीय लवण का उदाहरण है, बेसिक सॉल्ट। अब क्या है, अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो ये विलयन जो होगा, अगर इसको सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये OH की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल टर्न ये बदल देगा, इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू।
दूर, रेड लिटमस जो है वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्ट को आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये जो है ये क्षारीय लवण है। दो लवण हमने देखा, आइए एक और की आपके सामने चर्चा कर देते हैं। डबल सॉल्ट ये आपके जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर डबल सॉल्ट का क्या उदाहरण होगा। डबल सॉल्ट का उदाहरण में वो आपसे एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछते हैं। वो पूछते हैं किसका फॉर्मूला, पोटैश एलम का, K2SO4 Al2SO4 24H2O। इसको कहते हैं फिटकरी, पोटैश एलम, पोटैश एलम, पोटैश एलम। ये है उदाहरण द्वि लवण का, इसको कहेंगे द्वि लवण। तो द्वि लवण या इंग्लिश में कहेंगे डबल सॉल्ट। एक उदाहरण हो गया पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 24H2O। दूसरा इसका बेहतरीन उदाहरण है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, बहुत पूछा जाता है। PSO4 NH4 Al2SO4 6H2O। सो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप मास कंपोजिशन देखिए इसका, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 और Al2SO4 का, Al2SO4 होल ट्वाइस का, तो ये दोनों को एक जैसे सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट दोनों हैं, और दोनों को मोलर मास के कंपोजिशन में लेकर के हम सॉल्ट बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को वाटर में ले लेते हैं, वाटर में लेके डिजॉल्व कर लेते हैं, और इस वाटर को धीरे धीरे फिर हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन की क्रिया करते हैं, और उससे जो है हमको नीडल लाइक पैलेट्स मिल जाते हैं, नीडल लाइक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। यानी क्या किए, पानी में दोनों को डिजॉल्व कर लिए इक्वल रेशियो में, इक्वल मोलर रेशियो में, और उसके बाद उसको गर्म किए। गर्म करने के बाद जब जल पूरा वाष्पीकृत हो जाएगा, थोड़ा सा जल रहने देंगे, तो उसको कहेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण से आपका क्या बन जाएगा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का क्या है, इसकी एक एक आइडेंटिटी को आप सोल्यूशन में टेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप पोटेशियम आयन को भी टेस्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम को भी टेस्ट कर सकते हैं, इसकी एक एक आइडेंटिटी को आप सोल्यूशन में विनियम में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है डबल सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं द्वि लवण। आ जाइए मिक्स्ड सॉल्ट की बात करें। कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्स्ड सॉल्ट किसे कहते हैं, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट का जैसे हिंदी रूपांतरण होगा मिश्रित लवण या मिक्स्ड सॉल्ट क्या है। मिक्स्ड सॉल्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख रहे हैं सोडियम पोटेशियम सल्फेट। क्यों कहें इसको मिक्स्ड सॉल्ट, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक से अधिक कैटायन हो सकता है या एक से अधिक एनायन हो सकता है, यानी मोर देन वन कैटायन और एनायन, मोर देन वन कैटायन और एनायन इज प्रेजेंट इन मिक्स्ड सॉल्ट ऑलवेज। तो एक अच्छा उदाहरण है जो मैंने लिया सोडियम पोटेशियम सल्फेट का। दूसरा उदाहरण भी हम इसी में ले सकते हैं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण है रोशन सॉल्ट का भी ले सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको कि रोशन सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और सबसे बेहतरीन उदाहरण एक और है जिसको कि बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ब्लीचिंग पाउडर। अगर ब्लीचिंग पाउडर आप देखिए
इसका क्या फॉर्मूला है, CaCl2 CaOCl, ये है ब्लीचिंग पाउडर CaCl OCl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या इसमें देखने को मिल रहा है, कैल्शियम जो है ये OCl- से भी जुड़ा है, OCl से जुड़ा है और ये Cl से भी जुड़ा है, यानी दो नेगेटिव आयन हमको मिल रहा है। ये जो है इसका दो नेगेटिव चार्ज है, इसका दो पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा डेफिनेशन के हिसाब से मोर देन वन कैट आयन और एन आयन इज प्रेजेंट इन अ मिक्स्ड सॉल्ट ऑलवेज। तो मिश्रित लवण उसको कहेंगे जहाँ हमको एक से अधिक एन आयन मिल जाएंगे या एक से अधिक कैट आयन, जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट में यहाँ दो कैट आयन है, दो कैट आयन सोडियम प्लस के प्लस और सल्फेट का 2-, तो चार्ज जो है वो बैलेंस हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। एक लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका। ये किस तरह के होते हैं, जैसे एक हम लिख रहे हैं बोर्ड पे K4FeCN6, इसको कहते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफॉरेट। ये उदाहरण है मिक्स्ड सॉल्ट का। इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो है यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इसको कहते हैं, ये जो मैंने बनाया ब्रैकेट इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाकी एंटिटीज जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में या जली मीडियम में टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K4FeCN6 ये जली मीडियम में टूटेगा तो 4K+ प्लस FeCN6 4-, इस तरह का होगा ये। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, यहाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जिसको कि हम संकर लवण भी कहते हैं, संकर लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी को टेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ आप इंडिविजुअल आइडेंटिटीज cannot be tested in aqueous solution for complex salt। complex salt के लिए आप individual identities को टेस्ट नहीं कर सकते, जबकि वही आप देख रहे थे कि डबल सॉल्ट में आप एक और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को आप टेस्ट कर पा रहे थे। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट मोनोसॉल्ट दिए थे, उसमें आप आयरन का भी टेस्ट कर सकते हैं, अमोनियम का भी टेस्ट कर सकते हैं सोल्यूशन में, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने की वजह से यह आयरन टेस्ट नहीं देगा, पोटेशियम को देगा या नहीं देगा। तो सबसे बड़ा अंतर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में यही है कि यहाँ आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा, लेकिन डबल सॉल्ट में आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं मिलेगा। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से सॉल्ट की चर्चा की, नॉर्मल सॉल्ट की चर्चा की, नॉर्मल सॉल्ट के उदाहरण को देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने चर्चा की एसिडिक सॉल्ट, फिर हम लोगों ने चर्चा की बेसिक सॉल्ट, फिर हम लोगों ने चर्चा की मिक्स्ड सॉल्ट, फिर चर्चा हुई डबल सॉल्ट, द्विलवण जिसे कहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की चर्चा की। हिंदी हम सबका बता सकते हैं, ये सामान्य लवण हो गया, ये अम्लीय लवण हो गया, ये क्षारीय लवण हो गया, ये मिश्रित लवण हो गया, ये द्विलवण हो गया और ये संकर लवण हो गया। तो ये आज की पढ़ाई इतनी हो गई आपकी, और मैं चाहूँगा कि एक असाइनमेंट आप लिख करके आएँ। असाइनमेंट ये रहेगा कि जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं उसके और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स आप अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख करके हमको दिखाएँ।